खरगोन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने शुक्रवार को आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता बुलाई। उन्होंने पत्रकारों से चुनावी तैयारियों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले में निर्वाचन नामावली सहित स्वीप गतिविधियां तेजी से चल रही है। अमला चुनावी मोड में है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने और त्रुटि सुधार को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इस बार नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिसमें नौ मतदाता घर बैठे ही अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा नाम संशोधन, नाम कटवाना जैसी व्यवस्था की ऑनलाइन की गई है। रोजाना BLO ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। मतदान केंद्र पर वोटिंग प्रक्रिया का डेमो भी दिया जा रहा है। पारदर्शी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट मजबूत की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। चुनाव की संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध है आपको। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सबने उपयोग किया होगा। किसी ने किया होगा तो आप थोड़ा बता भी सकते हैं। आप सोचा करें थोड़ा ना, किसी ने किया है? क्योंकि हाईटेक, चूंकि अब हम भी चाहते हैं हमारा मीडिया में हाईटेक रहे, है ना। क्योंकि जितना हम लोग उसके बारे में जानेंगे ना, उतना हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप में जाकर के उसमें इलेक्शन रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध है। इवन आप लोग अपना खुद का वोटर आईडी डाल करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपका नाम किस मतदान केंद्र में है भी या नहीं भी है। मतलब आपके पास वोटर आईडी कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम मतदाता सूची में हो ही, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं QR कोड, ये दो आईडी बहुत सिंपल है। इसके माध्यम से एक ECI की वेबसाइट हो रहा है, ECI.CO.IN, इस पर भी जाकर कर सकते हैं। तो तीन ऐप है हमारे पास में जाने के लिए, बाकी और भी ऐप है। तो इसमें फॉर्म 6, 7, 8 के थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को। फॉर्म 6 नए मतदाताओं के वोट जोड़ने के लिए है। नए मतदाता कौन है? आयोग ने अभी आपको पता होगा इसी वर्ष से ये प्रयोग किया है। मुझे लगता है कि इससे पहले हर साल जनवरी माह में नाम जुड़ते थे। एक जनवरी की स्थिति में जो 18 साल का होता था उसका नाम जोड़ा जाता था। इसी वर्ष से आयोग ने इसमें संशोधन किया हुआ है। अब वो चार तिथियां कर दी हैं। 1 अप्रैल को 18 साल का हो, मतलब 1 जनवरी को 18 साल का हो, वो तो है ही। 1 अप्रैल को 18 साल का हो रहा है, 1 जुलाई को 18 साल का हो रहा हो और 1 अक्टूबर को 18 साल का हो रहा है। चूंकि नवंबर में चुनाव है तो 1 अक्टूबर को 18 साल के हो रहे हैं, वो लोग भी अपना नाम जोड़वा सकते हैं। तो अब हमारा सारा फोकस उसी में पंचायती में करके लोगों को पता रहे। और हम लोगों ने उसमें डेट पेपरों में छपा दिए, आप भी छापे उसमें, कि 1 अक्टूबर 2005 या उससे पहले, मतलब वो डेट भी शामिल है, 1 अक्टूबर 2005 या उससे पहले किसी का भी जन्म हुआ है तो मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वा ले। तो एक तो फॉर्म 6 है नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए। फॉर्म 7 दो चीजों में काम आता है, मतदाता सूची से नाम काटवाने के लिए। कटवाने का मतलब दो तरह से होता है, एक तो कोई फौत हो गया है, मृतक हो गया है, तो उसका फॉर्म 7 उसके फैमिली मेंबर्स और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर वो नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरते हैं। एक कोई भी व्यक्ति किसी पे आपत्ति दे सकता है कि इसका मतदाता सूची में नाम गलत जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर रहता नहीं है, तो वो फॉर्म 7 के द्वारा कटवाने का भी रहता है। तो उसकी ये प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति का नाम काटने के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसे कटवाएगा, तो उसमें सुनवाई का प्रावधान दिया हुआ पूरा पूरा, मतलब फॉर्म 6 और 7 6 में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।